हेलो गाइस, वेलकम टू योर पॉप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि कल LIC AA का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो नोटिफिकेशन आउट होने के बाद बहुत सारे बच्चों का मन में बहुत सारा सवाल घूम रहा है। ठीक है, फर्स्ट जो सवाल है, जो सबसे ज्यादा है बच्चों का मन में, कि सर वैकेंसी बहुत ज्यादा लो है, बहुत ज्यादा कमती है, तो इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, सर मैं एक वर्किंग एक्सपीरियंस हूँ, जो मुझे किस तरह प्रिपरेशन करना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। एंड थर्ड, जो फ्रेशर है, सर मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे क्या ये जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, अगर अप्लाई करूँ तो किस तरह अप्लाई करूँ। ठीक है, एंड प्रिपरेशन किस तरह करना चाहिए। तो इस तरह और भी बहुत सारा सवाल है जो बच्चों का मन में है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों का जितना भी डाउट है, जितना भी सवाल है, वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड लाइक एंड शेयर तो करना ही है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो ये जो आप लोगों का मन में जो सबसे ज्यादा सवाल है कि सर वैकेंसी लोग अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो इसका मैं जवाब में एक ही में आंसर दूंगा, फर्स्ट कि हाँ, आपको अप्लाई करना चाहिए। इसका रीजन ये है कि ये जो जॉब है, ये अच्छा जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। देखिए, अदर जो पीओ है, क्लर्क है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जॉब भी बहुत अच्छा है। सैलरी भी बहुत अच्छा है, वर्क प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है, और करियर ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो मैं ऑलवेज प्रिफर करूंगा कि आप लोग इसको अपीयर करें। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का भी सवाल है कि सर मैं अभी बैंक में जॉब कर रहा हूँ, मेरा पोस्टिंग नियर बाई है, मैं छुट्टी में घर आ पा रहा हूँ, और मैं मेरा वर्किंग लाइफ को इंजॉय भी कर रहा हूँ सर। तो अभी LIC AA में जाऊँगा, वहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है, तो मैं छुट्टी में घर भी नहीं आ पाऊंगा, तो फैमिली को मैं टाइम भी नहीं दे पाऊंगा, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अप्लाई ना करूँ। देखिए, ये जो चीज़ है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। तो वो जो है, वो एक आपका कंफर्ट जोन है, आपका नियर बाय पोस्टिंग। तो इसका मीनिंग ये कभी भी नहीं है कि आप लाइफ टाइम आपका नियर बाय पोस्टिंग में ही रहेंगे। तो आपका कभी ना कभी आपका ट्रांसफर आउट ऑफ योर स्टेट भी, या थोड़ा दूर में भी आपका ट्रांसफर डेफिनेटली होगा। ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं कि होल लाइफ, होल सर्विस लाइफ आप एक नियर बाय ही रहो। ठीक है, एंड वो आपका एक कंफर्ट जोन है, क्या नियर बाय रह रहे हो, फैमिली से मिल रहे हो, तो इफ यू आर हैप्पी देन इट्स ओके। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ अलग करे, कुछ बड़ा करे, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मुझे कहना था। एंड सेकेंड, जो सबसे ज्यादा एडवांटेज हो कि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको लास्ट ईयर जॉब मिला है, या बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो एक दो साल हुआ जॉब मिला है, तो उन लोगों का क्या करना है कि आप लोग यही फील्ड से थे, ये फील्ड में आप लोगों ने खेला है बहुत टाइम, खेलने के बाद आप लोगों को जॉब मिला है, तो यू हैव द एक्सपीरियंस, यू हैव द नॉलेज। तो आपको क्या करना है कि आपका जो नॉलेज है उसको सिर्फ ब्रशअप ही तो करना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अप्लाई डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट जो क्वेश्चन का, जो बच्चों का मन में सबसे ज्यादा सवाल है, यही है। सेकेंड, कि सर किस तरह प्रिपेयर करें, अगर मैं प्रिपेयर करना चाहूँ किस तरह प्रिपेयर करें, क्योंकि टाइमिंग जो है बहुत ही कम थी, क्योंकि 15th से 31st तक तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का, एंड जो प्री का डेट है वो 17th February से है। 17th February से प्री स्टार्ट हो जाएगा, एंड मीन्स मार्च 18 से स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आप लोगों का आज से अगर मैं बोलूं तो नियरली आप लोगों का एक 2 months में आप लोगों का मेंस है, 1 month में आप लोगों का प्री है। तो अभी किस तरह प्रिपेयर करना है, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग इनिशियल डे से ही, फर्स्ट डे से ही इंश्योरेंस एंड जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इसका जो पेपर है, ये पेपर को अच्छी तरीके से लेके चलिए। इसके रिगार्डिंग में किस तरह स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, मैं पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए, मैं सारा चीज़ों के बारे में पहले डिस्कस कर लेता हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे रिमेनिंग टॉपिक है, प्री में क्या है आप लोगों का, प्री में आपका इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, जहाँ पे इंग्लिश एक क्वालिफाइंग नेचर है, आपको 9 या 10 लाना पड़ेगा। ठीक है, एंड आपका जो कट ऑफ सेट होगा वो क्वांट एंड रीजनिंग के ऊपर जो 70 marks होगा उसी के ऊपर बेस करके आपका कट ऑफ सेट किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक चीज, जो बच्चे का इंग्लिश में प्रॉब्लम है उनको कोई भी टेंशन नहीं है, एंड जो बच्चों का इंग्लिश हथियार था, एडवांटेज था, उन लोगों को यहाँ पे डिसएडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश यहाँ पे नहीं, इंग्लिश का रोल यहीं पे खत्म, उसके बाद इंग्लिश का रोल उतना है ही नहीं LIC AA के एग्जाम। ठीक है, तो आपको क्वांट और रीजनिंग में ही जो 70 marks होगा उसी में आपको कट ऑफ
उसी के ऊपर बेस करके आप कट ऑफ सेट होगा, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन क्वांटम रीजनिंग का जो सिलेबस है टोटली सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, पीओ लेवल का ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आईबीपीएस पीओ बोल लीजिए, एसबीआई पीओ बोल लीजिए, उसी लेवल का ही पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, उतना डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद मेंस में क्या है आपका, मेंस में आपको क्वांट है, रीजनिंग है, उसके बाद आपका जीके जीके एंड करेंट अफेयर है, जीके एंड करेंट अफेयर है, ठीक है, ये भी सेक्शन है कि मैं पहले इसके बारे में बात करता हूँ। ये क्वांट्स एंड रीजनिंग जो है वो मेंस लेवल में जो है ये आपको बैंकिंग का जो एग्जाम है, बैंकिंग का सिलेबस जो होगा, बैंकिंग का जो एग्जाम में जैसे जिस टाइप का क्वेश्चन देखा जाता है सेम टू सेम आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दो सेक्शन लेके आप लोग टेंशन ज़्यादा मत लीजिए, ठीक है, फर्स्ट बात। सेकंड बात, जीके और करेंसी अफेयर में ज़्यादा करेंसी अफेयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है। 2019 में मैंने जब दिया था 2019 में, तो उस टाइम में करेंसी अफेयर का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिला था, ठीक है। आप लोगों में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी ये साल में बहुत सारा मेन्स अपेयर कर चुके हैं, ठीक है, एंड बहुत बच्चे हैं कि अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को एक ही एडवाइस दूंगा कि क्वांट रीजनिंग को लेके उतना टेंशन मत लीजिए, ये नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम का तरह ही है, उसमें कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं है, एग्जाम में भी उसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो की रोल प्ले करता है ये वाला सेक्शन, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। अभी तो इसका रोल क्या होता है मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। देखिए LIC EAO एक चीज हम लोगों को सिखाता है कि आपको बैलेंस किस तरह होना है। जैसे मान लीजिए अभी SBI का PO का एग्जाम है या आपका IBPS का है, तो अगर आप मान लीजिए कोई एक सेक्शन में आप अगर जो कट ऑफ होता है सेक्शनल कट ऑफ आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों का टेंशन नहीं है। आप उसमें अगर सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर कर लेते हो ना, तो उसके बाद आप दूसरे सेक्शन में बहुत ज़्यादा ला के भी और एक में आप कमती ला सकते हो, लेकिन आपके LIC EAO में वैसा नहीं होता है। यही चीज के लिए LIC EAO डिफरेंट है रिमेनिंग एग्जाम से। तो ये इसी चीज में LIC EAO एक चीज सिखाता है कि आपको किस तरह बैलेंस होना है। एक सेक्शन में आप अच्छा हो, दूसरे सेक्शन में आप एवरेज हो, वैसा नहीं होगा। आपको हर सेक्शन में आपको बैलेंस करके लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। जो लास्ट ईयर का 2019 में मैंने जब एग्जाम दिया था 2019 में, तो उसमें क्या हुआ, जो पेपर था वो टोटली अनएक्सपेक्टेड पेपर था, कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कम से कम 9 to 10 PDF मैंने स्टडी किया था, 9 to 10 PDF मैंने स्टडी किया था अलग अलग वेबसाइट्स का, कुछ भी कॉमन नहीं आया। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस मेरा सिर्फ 4 to 5 क्वेश्चन ही कॉमन था। फैक्ट मैं बताता हूँ, 4 to 5 क्वेश्चन ही मेरा कॉमन था, रिमेनिंग कोई भी क्वेश्चन कॉमन नहीं था। और इसमें मेरा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था वो था 30। तो बाद में मैं क्या किया, मेरा पास दूसरा कोई चारा था नहीं, तो मैंने तुक्का मार के आया जो बाद में वर्किंग नहीं हुआ। बाद में वर्किंग नहीं हुआ, मुझे 14 या 15 ऐसा कुछ मिला था जिसके लिए मैं फेल हो गया था। अदरवाइज अगर मैं रिमेनिंग का बात करता हूँ तो मेरा जो स्कोर था वो अच्छा था जस्ट बिकॉज इस चीज़ के लिए मैं फेल हो गया था, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज एडवाइस करूंगा कि इनिशियल डे से ही आप इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल का जो पेपर है वो साथ में लेके चलिए, फर्स्ट बात। सेकंड बात, कहाँ से स्टडी करना है। देखिए अभी ये इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल पेपर कहाँ से स्टडी करना है, ये सबसे बड़ा बात। देखिए कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक भाई साहब बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, इतने कैजुअली बोल रहे थे, वैसा कुछ नहीं था। पेपर बहुत ही अलग होता है, ठीक है, पेपर बहुत ही अलग होता है। वैसे बोलने में तो मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन जो बच्चों ने उसको अपीयर किया था, प्रैक्टिकली उसको अपीयर किया था, तो वही बता पाएंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। ऐसे भरभरी बोल देना और कहीं से रिव्यू लेके बोल देना ये बहुत ईजी होता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे ने प्रैक्टिकली उसको जाकर अपीयर किया था एग्जाम, उसको ही पता चलेगा कि इंश्योरेंस का जो पेपर था वो कैसा था, भयंकर था मतलब। और सिर्फ मैं नहीं, मोर देन 90% बच्चा ओनली बिकॉज इंश्योरेंस पेपर उन लोगों का LIC EAO मेंस क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ मैं नहीं था, मोर देन 90% बच्चे का हालत वही था। आप लोग को समझ ही सकते हो कि पेपर किस तरह आया हुआ था, ठीक है। तो यही मैं बोलूंगा कि इसके लिए मैं भी एक चीज़ बना रहा हूँ, कुछ मटेरियल्स कुछ PDFs में कलेक्ट किया हूँ, तो उसको लेके मैं एक मटेरियल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जितना पॉसिबल हो, जितना जल्दी पॉसिबल मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल में जाइए, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं इसका जो PDF है जितना जल्दी हो सके मैं बना के शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया
फाइनेंशियल इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड रिमेनिंग सेक्शन के लिए अगर आप फ्रेशर्स हो तभी भी मैं बोलूंगा, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो तभी मैं बोलूंगा कि रीजनिंग क्वांट और रीजनिंग को लेकर टेंशन मत लीजिए, वो पीओ का तरह ही आएगा, नॉर्मल जो बैंक का पीओ है उसके तरह ही आएगा और इसमें उतना भयंकर टफ आपको देखने को नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पे एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है तो उनको पेपर उतना तक सेट करना ही पड़ेगा जहाँ पे एक बच्चे को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाए, अदरवाइज अगर पेपर इतना ही भयंकर टफ कर दिया तो अगर बच्चा मैक्सिमम कोई भी अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं ला पाया तो कैसे होगा, तो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो वही बात है कि आप लोग जब भी अपीयर करें, जब भी कुछ चीज़ों को प्रिपरेशन करें तो एक्सेसिव टफ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है LICWA के लिए, मॉडरेट एंड मॉडरेट का अप लेवल का प्रिपेयर कीजिए, एक्सेसिव टफ जरूरत नहीं है जो हम लोग SBI PO एंड IPPS PO के लिए करते हैं, उतना टफ यहाँ पे माइट भी नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए क्वांट और रीजनिंग के लेकर, मेन फोकस कीजिए इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक बात, क्योंकि यही आपको पास कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन जो था अच्छा लगा होगा एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा, अगर नया सीखने को मिला इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।